प्रॉब्लम कॉपी करो जब तक सब बच्चे लोग, प्लीज कॉपी दिस प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन यू. दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी. हमने पहले किया था लीनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अब किया मोशन अंडर ग्रेविटी. आफ्टर दिस प्रॉब्लम विल स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल मोशन. वेरी इंटरेस्टिंग दैट इज. कॉपी करना, देखो मैं रीड करके बता देता हूँ. अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज 392 मीटर अबव द ग्राउंड. ग्राउंड से 392 मीटर अबव है. Stationary in air. First case में it is stationary. Second case में descending with the velocity of 9.8 meter per second. Third case में ascending with the velocity of 9.8 meter. Find time taken in each case for ball to come to ground. Ball to fall back. This is 392 meter above. In all the three cases. Yes. ओके, प्रॉब्लम क्लियर है एकदम? प्रॉब्लम क्लियर है क्या बर्गेश? प्रॉब्लम क्लियर है? नो सर. बर्गेश, बर्गेश. यस सर, यस सर. ओके, मुझे प्रॉब्लम बताना पड़ेगा किसी को. मैं बर्गेश को पूछता हूँ. बर्गेश प्रॉब्लम क्या है? ये कौन है? ये तीनों केस में ये कौन है? ये ब्लू जो बनाया है वो क्यों है? हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर फर्स्ट इसमें हेलीकॉप्टर क्या है? हेलीकॉप्टर इज एट रेस्ट, ना इधर ना इधर, इक्वल टू जीरो. सेकंड केस में क्या है? हेलीकॉप्टर इज डिसेंडिंग, कमिंग डाउन विद अ वेलोसिटी ऑफ 9. और थर्ड केस में हेलीकॉप्टर इज गोइंग अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड. तीनों केस में एक बॉल है, एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, यहां से निकाल के बॉल को ट्यू ड्रॉप किया, यहाँ पे भी एक बॉल को ट्यू ड्रॉप किया है, यहाँ पे भी एक बॉल को ट्यू ड्रॉप किया है. मुझे जानना है कि कितने टाइम में ये बॉल यहाँ से यहाँ आएगी, कितने टाइम में यहाँ से आएगी, कितने टाइम में यहाँ से आएगी. मुझे एक बात बताओ खाली कॉमन सेंस से, कि तीनों में टाइम सेम लगेगा या तीनों में टाइम अलग अलग लगेगा? सर डिफरेंट. क्या क्या डिपेंड जैसा आंसर नहीं होता है कि डिफरेंट टाइम होगा. अच्छा, सबसे कम टाइम किस में लगेगा? फर्स्ट केस में, सेकंड में या थर्ड में? सेकंड में सबसे कम. वेरी नाइस. और सबसे ज्यादा टाइम किस में लगेगा? सर थर्ड वन. थर्ड वन, दैट इज राइट. वेरी गुड आंसर जीतू, आई रियली लाइक यू. बहुत अच्छा आंसर है. अच्छा, अब है ना, मुझे खाली ये देखना है, यू का वैल्यू लिखो, जी का वैल्यू लिखो, टी टर्म को ढूंढना है और एच 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 दिया हुआ है. यू जी टी एच, यू जी टी एच. चलो ये सब प्लीज लिखो, गलत होगा तो भी मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं आपको. इट इज माई प्रॉमिस टू यू, मैं आपको एक वर्ड नहीं बोलूंगा. यू हैव टू राइट, एवरीवन हैज टू राइट, एवरीवन ऑफ यू. विधि, विधि, प्रिशा, ओम, माज, जीतू, बर्गेश, अफीफ, सभी लोग लिखो. यहाँ पे क्या लिखो? यू स्टेशनरी है, हेलीकॉप्टर. तो व्हाट बी यू इक्वल टू? तीनों केस में यू इक्वल जीरो होगा क्या? खाली इतना बोलो. यस सर. चलो तीनों केस में जीरो लिखता हूँ. चलो जीरो 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 जीरो. जी क्या होगा तीनों केस में? बोरिंग, कमिंग डाउन, कमिंग डाउन ना. ओ
अरे तीनों केस में कमिंग डाउन और व्हाट प्यारे बच्चों, यू तो जीरो नहीं होगा। यस सर, ड्रॉप किया है ना, तो यू इक्वल टू जीरो ड्रॉप किया है। ओके, जी क्या लिखूं तीनों में? तीनों में जी क्या लिखूं, प्लस या माइनस? प्लस 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 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समय इसका सपोज T1, इसका सपोज T2, इसका सपोज T3। हाइट तो तीनों में 392 मीटर। Tell me, all of you agree? All of you agree or no? Yes or no? Yes or no? अरे कोई तो बोलो यार, बिंदास बोलो, wrong तो wrong, agree or not? ये मैंने लिखा है गलत है कि सही है? Sir, in the third it will be u equal to u and g will be minus 9.8 according to me sir. U equal to क्या? Sir, v or u? U equal to v. V क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, u equal to v लिखो यहाँ पे, v. Sir, v क्या? V हाँ? U equal to U. U equal to U. Okay, U लिख देता हूँ. और यहाँ पे U equal to zero बराबर है ना? ये zero, ये zero. बोलो बच्चे. Sir, in second case, will there be a value for U because the helicopter was descending, so the ball might have some velocity in it. Okay, I just want to know if I write these values. Suppose you got a zero and they come here. If I write these values, will the time answer will be different or will be same? T1 ka jo answer hai ka, wohi T2 ka, wohi T3 ka, because all values UG, HD are same. So T1 equal to T2 equal to T3. So therefore, there is something wrong. And I think, Afif, you are right. Sir, because it is descending, so it will have more velocity while, so something like that. Okay, something like that only. You are right. Mujhe ek baat batao, suppose you are traveling in a bus, which is at a speed of 80 km per hour. So what is your speed inside the bus? When you are in a, you are stationary, you yourself are stationary, but bus is moving at a speed of 80 km per hour. What is your speed, Afif? Sir, 80 km/h. 80 km/h. In the same way, in tino case mein, khali yahan pe, because helicopter was a drag, we are dropping, so u equal to zero. But yahan pe u will not be zero. Uski velocity will be same as the velocity of the helicopter. Same as the velocity of the helicopter. U kya likhunga isme? U will be same as this. इसीलिए कम टाइम लेगा ना, क्योंकि उसको फेंका है जोर से. T2 क्यों कम होगा? क्योंकि उसको फेंक दिया जोर से. Initial velocity will be same as the velocity of the helicopter. The U will be. और यहाँ पे क्या लिखूँ U? यहाँ पे U क्या लिखूँ? Third में. ये मैंने जानबूझ के तीन केस बताए, so that you will understand the difference. यहाँ पे क्या लिखूँ U? Sir, 9.8. 9.8. And it is thrown up or down? 9.8 ऊपर था कि नीचे था? 9.8 ऊपर जा रहा था हेलीकॉप्टर कि नीचे जा रहा था हेलीकॉप्टर? सर ऊपर जा रहा था. तो अपनी बॉल भी पहले बॉल थोड़ी सी ऊपर जाएगी फिर नीचे गिरना चालू करेगी. ये इसका क्यों नीचे? क्योंकि ये नीचे जा रहा था इसलिए वेलोसिटी भी नीचे जाएगी. ये वेलोसिटी ऊपर तो इनिशियल वेलोसिटी भी ऊपर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि वेलोसिटी initial velocity of the sir, body. So the gravity will be negative for the third case. That's right. In the third case. इसमें तो positive है क्योंकि नीचे ही जा रहा है ना. नीचे drop किया, नीचे ही फेंका उसको. तो इसमें positive आएगा, इसमें negative आएगा. और एक बहुत important change इसमें आएगा. Who is that? Who will tell me this? कि सर आपको ये करना पड़ेगा. Who can tell me that? That will be the best student. Sir, is there a difference in height, sir? Because ये मैं बता चुका हूँ. This is not I am going to discuss for the first time.
चलो मैं वापस गलती लेता हूँ. सपोज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इफ यू थ्रो अपवर्ड इट विल गो अप कम डाउन. सपोज एच ए टू सी व्हाट इज हाइट इक्वल टू. क्या लिखते हैं हम लोग ए टू सी हाइट क्या लिखते हैं एच इक्वल टू. याद करो यार तुम्हारे साथ ए टू सी हाइट विल बी सर हाइट ऑफ टावर. यहाँ पे सपोज ये सपोज बी है व्हाट इज ए टू बी हाइट. ए टू बी ए टू बी हाइट विल बी व्हाट जीरो जीरो. और ए टू सी हाइट विल बी व्हाट एच. ये मैंने रॉन्ग रॉन्ग. ये जीरो क्यों होता है क्योंकि ये ऊपर प्लस जो भी गया होगा एच मैक्स. इधर है माइनस एच मैक्स तो यहाँ पे आके जीरो प्लस एच मैक्स माइनस एच मैक्स जीरो. माइनस एच माइनस एच. I want this answer. तो यहाँ पे क्या लिखूं h equal to. यहाँ पे h equal to क्या लिखूं. हेलीकॉप्टर का देखो ऐसे ऊपर जाएगा पहले फिर नीचे आएगा तो h will be what. सर माइनस 392. This is very crucial, very very crucial. क्योंकि बॉडी को ऊपर फेंका इनिशियली इसलिए टाइम ज्यादा क्यों लगेगा. t3 t3 you will find more. अदरवाइज तीनों का अंतर सेम आ जाएगा. ये याद आ रहा है आपको. ये मैंने कुछ बताया था याद आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है. Yes, sir. और फिर नीचे गया फर्दर तो एच बिकम्स नेगेटिव. ये बताया था क्या कि नहीं बताया था. Yes, sir. बस सेम कॉन्सेप्ट. आई रियली डिडंट लाइक. मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी चलेगा लेकिन लास्ट पे आंसर तुमको मिल गया. आई एम सेटिस्फाइड. चलो अभी तीनों में अप्लाई करो फॉर्मूला. H equal to ut plus half gt square. H equal to ut plus half gt square. H equal to ut plus half gt square. H के बदले कितना लिखेंगे 392. U के बदले 0. Half into 9.8 into t square. T square will be equal to 2 into 392 upon 9.8. ये 10 होता और ये 400 होता. ये 10 होता ये 400 होता तो 40 होता. 40 होता तो इसका आंसर मैं निकाल के बताता हूँ आपको. 392 into 2 divide by 9.8 and that is equal to 80. अरे वाह 80 आया. t square equal to 80. t equal to root of 80. देखो इसका आंसर किसके आसपास आएगा. Anybody can tell me? ओरली ओरली किसके आसपास आएगा. ओरली अगर ये रूट 81 होता तो 9 होता आंसर. 9 से थोड़ा कम 8.99 ऐसा कुछ आंसर आएगा. 8.944 T1 आ गया 8.944. इसमें क्या होगा. This will be 392 equal to U आपके पास है. So this will be 4.9. So T2 square plus 2 T2. अभी अभी आपने देखा था 3.9 5 होगा और ये 400 होगा तो 80 होता. सो 80 392 by 4.9 80. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला T2 इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2. कुछ गड़बड़ किया माइनस 80 आएगा ना. दिस विल बी माइनस 390 अपॉन 2. सो दिस विल बी रूट ऑफ 324 80. तो माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 8 सेकेंड. इधर एच विल बी इक्वल टू. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चे लोग को ये दिमाग में माइनस लेने को जमता नहीं. बोले सर माइनस क्यों.
अरे इनिशियली टू स्टोन अप और फाइनली डाउन आई तो अपोजिट डायरेक्शन में आई. U is 9.83. This will be minus 4.93 square. So this will be 4.93 square minus 9.83 minus 392 equal to 0. So this will be T3 square minus 2T3 minus 80 equal to 0. And therefore, T3 will be equal to minus B plus minus root of B square minus 4A into C upon 2A. And that is equal to 2 plus or minus 18. The second. And there it confirms that it means sabse zyada time lagega. इसमें सबसे कम लगेगा इसमें मीडियम इससे ज्यादा और उससे कम. ये बढ़िया प्रॉब्लम है. दिस टेक्स केयर ऑफ यू नो योर रियल प्रॉब्लम ऑफ व्हेन असेंडिंग अप टू बॉडी. इनिशियली ऊपर जाएगी नीचे थोड़ी आएगी. ये बॉडी फेकी है ऑफकोर्स. अब तो नीचे दिखाई देगी लेकिन असेंडिंग ऊपर जा रहा था ना तो बॉडी थोड़ी सी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी थोड़ी सी ऊपर जाएगी. एज इफ इट इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी ऑफ 9.8 meter per second because the helicopter was ascending. So ball also will ascend. Ball will not come down straight away. In this case, drop. So it will come down from zero. It was niche ja raha tha, so ball bhi niche with initial velocity jayegi. But this was most crucial. Hey, lal kar do isko. This was the most crucial, very important. Vidhi, have you followed Vidhi? प्रिशा आपको मालूम पड़ा? ओके भर्गेश भर्गेश अफीफ जीतू माज ओम यस सर अंडरस्टूड. ओके लवली. दिस वाज द मोस्ट क्रूशियल. ये मैंने खुद बनाया ये प्रॉब्लम. प्रॉब्लम तो खाली ये वाला था लेकिन मैंने ये और ये ऐड किया अपने आप सो दैट तीन अलग अलग टाइम आएंगे यू विल अंडरस्टैंड. और पहले से जीपी ने बोला कि सर इसमें सबसे कम टाइम लगेगा इसमें सबसे ज्यादा लगेगा इसमें मीडियम लगेगा. और ये कंफर्म किया मैंने फैक्ट कंफर्म किया बाय डूइंग दिस प्रॉब्लम बाय टेकिंग थ्री केसेस. कॉपी किया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं. अगर आपने कॉपी कर लिया है तो हम बढ़ते हैं आगल. बच्चों कॉपी किया? यस. रूलर मारू एक बार. रूलर ओम मिस्ट्री मास. ये रूलर में खाली ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट बात है और खाली इतना है ये बाकी सब कुछ इजी है. यू जीरो क्योंकि हेलीकॉप्टर एड्रेस बॉल विल आल्सो बी एड्रेस. हेलीकॉप्टर डिसेंडिंग डाउन इसलिए बॉल आल्सो विल बी डिसेंडिंग डाउन. हेलीकॉप्टर गोइंग अप देयरफॉर बॉल इनिशियली विल आल्सो बी गोइंग अप. और गोइंग अप यानी जी माइनस. गोइंग अप यानी एट द सेम लेवल पे एच जीरो उसके बाद जितना नीचे जाता है वो माइनस. तो एच विल बी माइनस 392 मीटर. अभी बाद में तो पूरा ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पे किया ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पे किया ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पे किया फिर मैथमेटिक्स किया फिर मैंने किया मैथमेटिक्स. पूरा समझ में आया कि थोड़ा बाउंसर है क्योंकि दिस प्रॉब्लम क्लियर एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटायर मोशन अंडर ग्रेविटी. आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी. मेरा ड्राइंग बड़ा फनी है इसलिए मैंने हेलीकॉप्टर ऐसा कुछ दिखाया है मैंने कि क्या करो अभी. हेलीकॉप्टर इज नॉट इम्पोर्टेंट बट अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट. मिटा दू? यस सर. एवरीवन मास कॉपी किया बेटा? यस सर. बर्गेश कॉपी किया? बर्गेश ओम पूरा नहीं. यस सर. यस सर. ओके
इसलिए सबसे पहले मैंने स्टार्ट ऐसे किया कि तीनों में टाइम सेम लगेगा या अलग अलग लगेगा, तो कॉमन सेंस से जीतू ने राइट बोला। अब हम करते हैं टाइटल, लिखो प्रोजेक्ट टाइल, टाइटल लिखो प्रोजेक्ट टाइल। इसके ऊपर हमेशा चाहे सीईटी हो, जेईई हो, नीट हो, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो आवत है, एग्जाम में आता है प्रोजेक्ट टाइल। मैं एक्चुअली प्रॉपर ये जाने के पहले एक बात पूछता हूँ आपसे। सपोज एक इधर एक जैसे बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, बॉक्स को मार के धक्का मारा ऐसे, बॉक्स को मारने धक्का मारा तो डायरेक्टली बॉक्स विल गो लाइक दिस एंड कम हियर, नॉट हियर नॉट हियर, धक्का मारा सीधा सीधा धक्का मारा है, ऐसे एंगल पे नहीं मारा है, सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टल। विल द बॉक्स ट्रेवल हॉरिजॉन्टली, यस नो? अरे हाँ या ना बोलो ना यार, प्लीज बोलो, कुछ ना कुछ बोलो। बॉल को, ये सॉरी बॉक्स को, हाँ, विल ट्रेवल सम डिस्टेंस, विल इट गो अप? ऊपर जाएगा क्या? क्या ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल दिक्कत। अच्छा अगर इस बॉक्स को सपोज ओम ने ऊपर ऐसे धक्का मारा होता तो डायरेक्टली गॉन अप, या ऊपर फेंका होता तो एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाता था। तो कहने से इसके लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है और इसके लिए वर्टिकल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब x डिस्टेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल, y डिस्टेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल। टेल मी इज दिस क्लियर? y डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ये वेलोसिटी के कारण, x डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ये वेलोसिटी के कारण। टेल मी यू एग्री? मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा बाद में, ये तो कम आएगा इसलिए अभी बता रहा हूँ। x डिस्टेंस इसके कारण, y डिस्टेंस इसके कारण। क्या कभी मैं y डिस्टेंस देने पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है? अगर मैं किसी चीज को ऊपर फेंकू तो हॉरिजॉन्टल जाएगा क्या? इधर या इधर? नहीं जाएगा, इट विल ट्रेवल ओनली वर्टिकल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल फेंकूंगा तो इट विल ट्रेवल ओनली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इट इज क्लियर और नॉट? हाँ या ना मैं बोलू ना यार? डाउट है तो बोलू? नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा अब है ना बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक बार अपना जीतू ग्राउंड पे गया और उसने क्या किया मालूम है? उसने यहाँ पे एक बॉल दी और उसको ठीक मारा ऐसे हवा में, एक्सम एंगल थीटा, तो डू एग्री टू गो लाइक दिस एंड विल करके यहाँ गिरेगी? टेल मी नॉट क्लियर और क्लियर? बोलो। ये जो डायग्राम दिख रहा है, कैन यू इमेजिन? आपने फुटबॉल में देखा हो ना कई बार ऐसे फुटबॉल मारते तो ऐसे करके इधर आती है, फिर इधर दूसरा आदमी रहता है फटाफट गोल में डालने की कोशिश करते हैं। तो suppose u is the velocity with which at angle theta to by maybe 30 degrees 40 degrees jo bhi hai, so do you agree in this case I am finding one thing ki uske paas horizontal distance bhi travel kar raha hai, horizontal bhi travel kar raha hai aur vertical bhi travel kar raha hai। dekho na yahan pe is point pe dekhenge to itna horizontal hai itna vertical hai, itna vertical hai itna horizontal hai, not clear or clear? sir clear, yes or no? clear abhi aapko ek bahut important baat bata deta hu, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि ये जो हॉरिजॉन्टल होता है डीएजी, ये जो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण और जो वाई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो वर्टिकल वेलोसिटी के कारण। लेकिन यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं दिया तो इसके दो बच्चे होते हैं, सुनो, इसके दो बच्चे, यू के दो बच्चे, बच्चे मैं इसलिए बोल रहा हूँ बट एग्जाम में मत लिखना, उसको स्टाइल में बोलते हैं कंपोनेंट्स, पार्ट्स, कंपोनेंट या पार्ट। ये मेन पप्पा ये और इसका हॉरिजॉन्टल बच्चा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, हॉरिजॉन्टल बच्चा होगा यू कॉस थीटा, ये जो एक्स डिस्टेंस हो रहा है ना इसके कारण हो रहा है, और जो वर्टिकल बच्चा है इसका जो कि वाई डिस्टेंस एच वगैरह ट्रेवल करता है वो है यू साइन थीटा। एक मेथड ध्यान में रखो, एक सिंपल लॉजिक ध्यान में रखो, सपोज दिस इज एफ एंड दिस इज थीटा, तो थीटा के साइड पे कॉस कंपोनेंट आएगा, थीटा के बाजू में कॉस कंपोनेंट और थीटा से दूर साइन कंपोनेंट। एकदम सिंपल लॉजिक ध्यान में रखो, ये एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। सपोज अगर ऐसे होता, ये एफ और थीटा यहाँ होता तो एफ कॉस थीटा कहाँ आएगा अभी बताओ? वर्टिकल बच्चा या हॉरिजॉन्टल बच्चा? वर्टिकल, सो वर्टिकल विल बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। और थीटा के बाजू जब जाओगे ना तो कॉस आएगा,
थीटा से दूर जाओगे तो ये कहीं पे टॉप पे साइड में लिख के रखो ना बुक में, कहीं पे भी प्लीज लिख के रखो इसको। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो। हाँ ये मिटा रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ, इस पे आ रहे हैं हम लोग फिर से। ये कॉपी कर लिया? यस। अब यहाँ पे आते हैं। देखो ये पॉइंट था जहां से कि जितने सबसे पहले लतिया मारी थी पॉइंट हो, सबसे ज्यादा हाइट पे गया वो पॉइंट है और वापस जीत ग्राउंड पे आया तो सपोज बी। तो रिमेम्बर यू इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जहां पे की बहुत वापस आके गिनती है, R is called horizontal range. ये जो है ये यहां से यहां तक can you see this maximum height, इसको बोलते हैं H max. Equal to maximum height. And T, let us say capital D, motion from O to B. Is called total time of flight. It's called total time of flight. कितना कॉपी कर लो पहले? कितना कॉपी कर लो? ये बहुत इंपॉर्टेंट, U cos theta, U sin theta. हाँ कॉपी किया सभी बच्चों ने? प्यारे बच्चों, यस सर, ये सब कॉपी किया गया? मैं ये मिटाना चाहता हूं इसके लिए। मिटा दूं? यस सर। ओके अभिषेक का फोन आया क्या? मिटा दूं? बच गए। मिटा दूं? यस यस सर। ओके आ गए ना? आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, यू कॉस थीटा विल नेवर चेंज। हर जगह u cos theta किधर भी चेंज होने वाला नहीं है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफेक्ट नहीं करता। एवरीवेयर यू विल फाइंड u cos theta. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो यू कैन राइट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, horizontal velocity and x velocity will always remain constant. Number two, vertical component, vertical velocity will change. Anybody can tell me kyun change hoga? Anyone? Dekho yahan pe u sin theta will it remain u sin theta throughout same? हल इतना बताओ, यू साइन थीटा रहेगा कि उसके अंदर चेंजेस आएंगे? इसके अंदर चेंजेस आएंगे कि यू साइन थीटा रहेगा थ्रू आउट? किसी चीज को हम वर्टिकली फेंकते हैं ऐसे ऊपर, तो टेल मी क्या होता है? वो ऊपर चली जाती और वर्टिकल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट और कीप चेंजिंग? सर कीप चेंजिंग।
keep changing, matlab keep increasing or decreasing? Sir, after some point nahi, initially decreases or increases when jab aapne feka to vertical velocity? So initially increasing. हाँ, increasing. अरे मैंने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका तो 11, 12, 13 भरती क्या दिया, तो वो कभी वापस ही नहीं आएगी फिर तो. The moment you throw up, it starts decreasing. इसीलिए finally it comes to rest at a maximum height. And then it starts falling downwards. किसी चीज को ऊपर फेंकते तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है वो. सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ थ्रो. उसके बाद धीरे 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 इट गोज ऑन डिक्रीजिंग बेटा. किसने बोला इंक्रीज होती है? अगर किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो बढ़ती जाएगी वेलोसिटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे खींचता है ना अर्थ, बोलेगा नो नीचे आ, नीचे आ. नहीं समझ में आया? So understood, sir. I thought it till a point it will increase, but then after it will decrease, then only it will come to rest. अगर increase करते जाएगा तो it will never come to rest. Yes, sir, understood. हाँ, it has to decrease. So remember one thing: u sine theta will keep on decreasing. Either okay, it will become zero. U sine theta vertical component will become zero. Vertical component equal to zero at maximum height. ये सब लिख डालो जो मैंने लिखा है. And then again it starts increasing. It again starts increasing and it will fall down. Right, vertical velocity will change. It decreases till point A where it becomes zero. And it increases from A to B. O to A is called time of ascent. O to A time is called time of ascent. And A to B is time is called time of descent. You suppose T1 or you suppose T2. So total time will be T1 plus T2. Total time of flight will be T1 plus T2. Ek aur cheez likhna hai to likh do. AX will always be zero. What is AX means? Anybody can tell me? What will be AX means? What is A stands for? Chota A stands for? Acceleration. Acceleration. Horizontal direction mein acceleration hota hi nahi. Velocity will always remain constant. AY will be equal to minus G. At O. अगर O पे हम लोग देखेंगे तो बॉडी को कहां से फेंका है? ऊपर फेंका है कि नीचे फेंका है? O से हम लोग देखेंगे तो बॉडी को ऊपर या नीचे है? बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड. तो AY will be minus G. ये ध्यान रखना. AY will be minus G if taken at O. If point taken at O. यानी के O to A लो या O to B लो तो ऑलवेज वर्टिकल मोशन के टाइम पे AY will be minus G. मिटा दो इसको, इसको मिटा दो. इतना पॉइंट कॉपी किया आपने? वेट ओके. कॉपी किया बेटा? ऑल ऑफ यू कॉपीड? मिटाऊं क्या? यस सर. ओके, स्क्रीनशॉट भी ले लो. मैं मिटा रहा हूं. अब ना यहाँ पे एक टेबल बनाओ. दिस टेबल विल बी द हार्ट ऑफ द एंटायर चैप्टर.
ये टेबल का भी मेथड मेरा ही मेथड है. यू कैन राइट ओ टू ए टू ए एंड देन इधर लिखो ओ टू बी. यहाँ पे लिखो एक्स मोशन वाई मोशन यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. यहाँ पे एक्स मोशन वाई मोशन एक्स मोशन वाई मोशन फिर इधर एस एस है ना डिस्प्लेसमेंट. और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यू. यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जी ए और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टी. अच्छा खाली मैं आपको हिंट देता हूं. ओ टू बी O to B horizontal motion S कितना लिखूं यहाँ पे X distance कितना लिखूं O to B X distance यहाँ से यहाँ तक का X distance कितना है O to B में total X distance कितना है यहाँ पे क्या लिखूं anybody O से लेके B तक horizontal distance कितना है X यानी horizontal Y यानी vertical O to B sir R that's the answer and what about O to A horizontal distance यार सेंटर में है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी यहां से यहां तक आर तो यहां से यहां तक कितना ओ टू ए ये हाफ है बराबर सिमेट्रिकल है. ए टू ए कितना आएगा सर आर अपॉन टू. आर अपॉन टू वाई डिस्टेंस कितना है ओ टू ए में वाई डिस्टेंस कितना है O to A में y distance कितना है? O to A में y distance? Sir, H max. Y vertical. H max. And what about this? Can I say H max plus H max? Two H max or what? Y distance. O to B में y distance कितना है? H distance आ रहा है? Please note, H distance आ रहा है. What will be y distance from O to B? अरे y डिस्टेंस कितना है ओ टू बी बोलो ना बच्चों. अरे y डिस्टेंस बोलने का तुमको क्या कर रहे हो यार. आर ही लिखू क्या y डिस्टेंस भी आर लिखू क्या. अरे क्या लिखू सर विल इट बी एच मैक्स y डिस्टेंस y डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए एच मैक्स ओ टू बी इज ऑल्सो एच मैक्स. No sir. It's, will it become zero? That's the answer. अरे वापस अभी इसका coordinates बोलो. What are the coordinates of point B? X, x distance is r. Y distance point on the x axis is y coordinate zero ना? R comma zero. This is very important. And what about u? O to A यानी O पे initial velocity क्या है? X distance क्या लिखूँ यहाँ पे? Initial horizontal velocity at point O, horizontal velocity at point O, x यानी horizontal, y यानी vertical, क्या लिखूं? यहाँ पे क्या लिखूं? U cos theta या U sin theta, horizontal x, O to A. So U cos theta. U cos theta. And vertical? U sin theta. X यानी horizontal. What about O to B? O to B में what is the initial velocity, x velocity? U cos theta and this will be U sin theta and acceleration kya hoga ax O to A what will be acceleration here what will be acceleration horizontal acceleration velocity badh rahi hai na ki ghat rahi hai U cos theta is constant and is increasing decreasing